अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ब्लॉग मैं आज सुबह से स्टार्ट कर दे रही हूँ, क्योंकि आज जो है ना बहुत ही ज़्यादा स्पेशल दिन है, और माशाल्लाह से दो स्पेशल दिन है आज। तो एक तो 12 रबी अव्वल की पहली तारीख है, एंड सेकेंड है कि आज मेरा सेकेंड बर्थडे है। अच्छा ठीक है, डे है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सेकेंड बर्थडे कैसे है, कि दो बार कैसे हो सकता है बर्थडे। तो गाइज मेरा आज जो है ना रबी मतलब 12 रबी अव्वल की पहली तारीख को मेरा बर्थडे होता है इस्लामिक तारीख के हिसाब से। और वैसे मैं जो ना अपना अंग्रेजी जो डेट रहती है वो 15 जुलाई है, उसके हिसाब से मैं अपना सेलिब्रेट करती हूँ। लेकिन जो 12 रबी अव्वल की तारीख में हमारा बर्थडे होता है, तो उस दिन जो है ना मैं नियाज करवाती हूँ और खाने वगैरह बना के सब कुछ हम लोग मिल बाट के खाते हैं, ये सारा करते हैं, सेलिब्रेट नहीं करते, केक वगैरह नहीं कट करते। तो अभी सुबह से अम्मी नप्पी का तो मैसेज भी आ चुका है विश का, और अम्मी ने भी सुबह सुबह जल्दी से उठ के मुझे विश किया हुआ है। और अभी हम लोग जो है ना चाय पी रहे हैं, फिर उसके बाद मैं डिसाइड करूँगी कि आज मुझे क्या बनाना नियाज के लिए, क्योंकि आज 12 रबी अव्वल की पहली तारीख भी है, उसकी भी नियाज करवाएंगे हम लोग, और जो है ना मेरा बर्थडे भी है तो इसकी भी नियाज इंशाल्लाह करवाएंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो के स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। आप लोग के साथ में मैं ऐसे में बड़ा सख्त लौट आऊँ पूरा दिन आज का शेयर करूँगी, दिखाऊंगी कि कैसे आज का दिन मेरा जाता है। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। सो गाइज आज का ये मेरा ड्रेस है, और आज ये मैं पहनने वाली हूँ। मैं पहले से इसको लिया कि आ गई थी, अम्मी ने दिलवाया था मुझे ये, और आप इस पर कढ़ाई देखें, माशाल्लाह से इतना प्यारा लग रहा था ये मुझे, और इसका कलर भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है जो आज मैं पहनने वाली हूँ। और इसके साथ में जो है ना मैंने डार्क येलो कलर का दुपट्टा लिया हुआ है। आप इसका बॉटम देखें, इसके बॉटम के जो है ना पैचे जो होते हैं उस पर भी वर्क करा हुआ है। तो ये बहुत ही सस्ते रेट में जो है ना बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे मिल गई थी। तो इसका दुपट्टा भी आप देखें, मैंने ये दुपट्टा। और गाइज मैं हो चुकी हूँ यहाँ पर ये ड्रेस पहन के रेडी, आप बताएं कैसी लग रही हो। और मैं अभी जो है ना सबसे पहले नमाज पढ़ने जा रही हूँ, उसके बाद जो है ना मैं अपना किचन का काम देखूंगी जाके। आप देखें मैं जो हूँ ना नमाज पढ़ना मैंने स्टार्ट कर दिया यहाँ पे, और दो रकात नमाज शुक्राने की भी अदा की करी है मैंने यहाँ पे। और आप भी जो है ना इसके बाद मैं किचन में लग जाऊंगी जाके खाना बनाने के लिए। तो अभी आप लोगों को मैं डायरेक्ट किचन में ही मिलती हूँ। सो गाइज अभी मैं जो हूँ ना नमाज पढ़ के फारिग हो चुकी हूँ, और अब मैं जो आ गई हूँ किचन में। और मैं यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा काम बीच में रोक के चली गई थी नमाज पढ़ने की वजह से, अभी मैंने उसको कंटिन्यू कर दिया है। सो गाइज मैं जो हूँ ना खाने की प्रॉपर वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, बिकॉज अगर मैं वीडियो पर ध्यान दूँगी तो खाना नहीं बन पाएगा, और मैं अगर खाने पर ध्यान दूँगी तो वीडियो नहीं बन पाएगी। तो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो एक चीज करना थी तो मैंने जो है ना खाने को चुन लिया, मैं जो हूँ खाने पे फोकस कर रही हूँ, वीडियो मैंने थोड़ा सा स्किप कर दिया है। मैं जो है ना प्रॉपर वीडियो नहीं ले पा रही हूँ कि मैं क्या क्या बना रही हूँ, मैं फाइनल आपको दिखा दूंगी कि मैं क्या बनाया है मैंने। मैं ऐसे ओरली भी बता सकती हूँ भी आपको, मैं जो बना रही हूँ कोरमा बना रही हूँ, पुलाव बना रही हूँ, एंड रोस्टेड बना रही हूँ, और मीठे में कुछ बनाऊंगी। ठीक है, इतनी सारी चीजें मैं बना रही हूँ। अभी ऐसे के टाइम पे मुझे नियाज भी करवाना है, और मैं ऑलरेडी इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। लेट हो चुकी हूँ क्योंकि सामान थोड़ा देर में आया था, भाई लेके आया था देर में, तो अभी मैंने दोपहर का खाना भी नहीं खाया है, और मैं जो होना अभी खाना खाने जा रही हूँ। तो उससे पहले मैंने सोचा पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती, जिस दिन से मिली है उस दिन से झूठ पे झूठ बोलती जा रही है शक्ल। क्यों ना आपको बता दिया जाए, मैं प्रॉपर एक वीडियो नहीं शूट कर पा रही हूँ कि मैं अब ये कर रही हूँ मैं वो कर रही हूँ, क्योंकि एक बंदा होना चाहिए ऐसा अलग से शूट करने के लिए। तो मैं अभी कोई है नहीं यहाँ पर, तो मुझे अकेले ही करना है, तो इस वजह से जो है ना मैं सारा अकेले मैनेज कर रही हूँ, खाना बनाना वीडियो भी शूट करना, तो दोनों चीजें एक साथ नहीं में हो नहीं पा रही है। तो इस वजह से जो है ना मैं बीच बीच में आप लोगों को बताती रहूंगी कि मैं क्या आप कर रही हूँ, मैं अब क्या कर रही हूँ। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और आज का इतना मुबारक दिन है, क्योंकि तीन चीज़ हो गई आज, तो नौचंदी जुमरात भी है, ये भी बाद में पता लगा नौचंदी जुमरात भी है, और 12 रबी अव्वल की पहली तारीख है, और मेरा बर्थडे भी है। तो कितनी अच्छे मतलब आज का दिन तो माशाल्लाह सुभानी अल्लाह है। सो हे गाइस फाइनली मैं बना चुकी हूँ, मैंने देखें क्या क्या बनाया है। ये मैंने बनाया रोस्टेड यहाँ पे, एंड
ये देख मजा मारने को कि सजा काटने को। इसको फाइल पेपर से भी मैंने हाइड कर दिया है और ये मैंने बनाया है कोरमा, देख सकते हैं। नहीं, और मैंने ये बनाई है यहाँ पे बिरयानी, और मीठे के लिए जो है ना थोड़ा आ रहा है, ये इसमें रोटी है। तो अभी मीठे के लिए जो है ना गाइज, भाई लेने के लिए गया है, वो लेके आएगा क्योंकि मैं घर पे बना नहीं पाई, टाइम लगा। और जो है ना अब हम लोग जो है नियाज करके फिर इंशाल्लाह खाना स्टार्ट करेंगे। अच्छा ठीक है। सो गाइज चलो मैं अभी अपनी अम्मी से आप लोगों की बात करवाती हूँ और उनसे पूछती हूँ उनको आज का दिन ये कैसा लगा, और आज मेरा मतलब बर्थडे है तो वो क्या कहना चाहेंगी मेरे बर्थडे पे। चलो मैं सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम कह दो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ और बताइए आज का दिन कैसा लगा, आज हमने खाना वाना बनाया। आज का दिन बहुत प्यारा दिन है और बहुत मुंडिया नीचे करो थोड़ी। हाँ का दिन है, जोर से बोले थोड़ा, तुम तो शर्माने लग गई। आज हमारी इतनी प्यारी सी लड़की आई थी आज के दिन पे, मेरी प्यारी सी लड़की 4 बजे आई थी, 12 साल की पहली तारीख थी। इधर को देखो थोड़ा, 12 साल की पहली तारीख थी। हाँ आप सही हैं। और हमें बहुत ही खुशी। सो गाइज अभी हम लोग जो है ना खाना वाना खा के फ्री हो चुके हैं और आज का मेरा दिन इस तरह से गया पूरा, आप लोगों ने देखा है। मैं कुछ कुछ आपको नहीं और तुम्हें खाना कैसा लगा बताना। तो गाइज मैंने जो बनाया खाना इनको शादियाँ ने खाना बहुत अच्छा बढ़िया बनाया। शाबाशी, तो सर पे हाथ रख दो। बाबू भाई ऐसे डायरेक्ट बाबू, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। आज अमरीन अप्पी की बहुत ज्यादा याद आई, बहुत ज्यादा मिस किया अमरीन अप्पी को, क्योंकि सब कुछ अकेले संभाल लिया। उनकी बहुत याद आई क्योंकि हमेशा से वही करती आ रही सारा सब कुछ, अगर कुछ भी बनना होता था इतनी सारी चीजें एक संग वही बना। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। आती थी मैं तो बस ऊपरी के जो भी काम होते थे वो करवा लेती थी, लेकिन मुझे खुद नहीं यकीन हुआ कि मैं इतना सारा काम खुद से कर लिया। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है मौला ताला का। बताना तो अम्मी जरा, अमीन के लिए कोई मैसेज कहना चाहोगी तो बता दो इसमें सबको। नहीं इस ब्लॉग को भी अच्छा से लेके आऊंगी आप लोगों के लिए, अ डे इन माई लाइफ इस तरह से मैं कोई अच्छा सा ब्लॉग लेके आऊंगी। ये भी आपके लिए इसी तरह से था वैसे, लेकिन मैं प्रॉपर तरीके से इसको शूट नहीं कर पाई थी। कोई नहीं, अभी इंशाल्लाह बहुत अच्छा सा ब्लॉग लेके आई हूँ आप लोग के लिए। जल्दी से आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट। छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो। ब्लॉग में जब तक लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ कह देना। नहीं अल्लाह हाफिज़।